प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की। धर्म प्रेमियों, माताएं बहनों, बच्चों तथा बच्चियों, आज है हम सभी एक माँ बाप के संतान एक स्थान पर बैठकर उस परमात्मा की चरणों में समर्पित हैं। धर्म प्रेमियों, संतों ने अपनी भाषा में बहुतों तरह की बातें रखी, उसी तरह हमारे तत्वदर्शी भज्जत कबीर रहमानी बाबा ने अपनी लेख में उन्होंने कहीं भारत की जनता के नाम एकता सुख शांति का पैगाम भज्जो ज्योति का संदेश अध्यात्म ज्ञान का उपदेश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सत्य मात्र क्यों जानो भाई। उन्होंने हम सभी के लिए कुछ लेख के माध्यम से छोड़ विहीन है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में लिखी है कि सामाजिक मत संसार में उत्पन्न भयो अनेक ये तो सौदाबाजी भई अध्यात्म मत है। ये अध्यात्म, हम सभी अध्यात्म उस शब्द को कहते हैं जिसमें आत्मा और परमात्मा की बातों को समझा जाए। आत्मा का निवास हृदय रूपी मंदिर में है और परमात्मा जो महापुरुष हम सभी को ज्ञान के माध्यम से जो शब्द उतारे हैं उन्हीं शब्दों के माध्यम से परमात्मा को हम पा सकते हैं। आज है हम सभी उस आत्मा के बारे में जाने आत्मा आपके अंत शरीर में निवास है। वो आत्मा के बारे में एक ही विषय वस्तु है कि जरूरत से दीक्षा लेने के बाद उनके बताए हुए रास्ते पर चलने पर उस आत्मा रूपी परमात्मा का दर्शन होता है। आत्मा आपके हृदय में है,
उस आत्मा को देखने के लिए, समझने के लिए संतों ने बहुतों तरह के उदाहरण दिए हैं। जिस तरह से आप जब सोने जाते हैं तो माथे के नीचे तकिया की जरूरत पड़ता है, और जब तकिया की जरूरत पड़ता है तो उस तकिया के अंदर रुई रहता है, रुई रहता है। वह भी रुई विशेषकर सीमर की रुई रहती है। तकिया लेने से सर में दर्द नहीं हो पाता है, सीमर की रुई में ठंडापन रहता है। अब उस तकिए को जब हर भलाई अलग अलग है, लेकिन तकिए के अंदर रुई स्थापित है। जब आप परमात्मा के बारे में चिंतन कीजिए क्या, तो हर जर्रे जर्रे में परमात्मा की बात है। जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, कि हर्षय में जलवा तेरा हूँ बहु है। परमात्मा के मर्जी बिना ये पत्ता भी नहीं हिलता। तो उस हृदय की बातों को समझने के लिए हमें जरूर से ज्ञान लेना पड़ेगा। इस धरा धरती पे सात तरह के जरूर बतलाया जाता है। पहला जरूर हमारे माता पिता, दूसरा जरूर हुए नर्स, तीसरा जरूर हुए पंडित जी, चौथा जरूर जो अक्षर बोध चराया, और पचमा जरूर जो संसार में काम करने के लिए सिखाया, और छठा जरूर जो होते हैं वो आरा छपरा बलिया तरफ से आते हैं, चावल लिया, दाल लिया और लिया पैसा, कान पचर के मंत्र दिया, बैल बनो या भैंसा। साल में वो एक बार आते हैं और अपना जो आपका दान देते हैं उसे लेकर चले जाते हैं। उनका दीक्षा रहता है बीच आंगन में पोताई करके, साफ सुथरा करके, जीव को बैठा के, और उस परमात्मा के बारे में क्या बतलाते हैं उसके बारे में उनका चिंतन नहीं रहता है, दक्षिणा लिए चल दिए। लेकिन जो सातवां गुरु होते हैं, जो आत्मा और परमात्मा की बातों को समझाते हैं, वे गुरु महान होते हैं। और जब भी उनका लजाव रहता है तो आप के हर दिन दशा पर परिवार तो संभालते हुए और आप तो भी संभालने का प्रयत्न करते हैं, कराते हैं। जिस तरह हम सभी 1978 से पहले हमारे तत्वदर्शी भज्जत कबीर रहमानी बाबा ने अनेकों शिष्यों को ज्ञान देकर क्षेत्रीय भ्रमण करने के लिए
छोड़े, हमारे गुरुदेव श्री त्रिलोचीनाथ जी, बाबूलाल जी, सत्यनारायण स्वामी जी इस संस्था को फैलाए, इस ज्ञान को जन जन तक पहुंचाए और उन्होंने हमारे बीच तो आज श्री सत्यनारायण जी नहीं रहे, बाबूलाल जी स्टेज पर हैं, त्रिलोकी जी अभी वे पुणे में हैं, स्वास्थ्य या कुछ अति से आप सभी दर्शन नहीं करने आए, लेकिन धर्म प्रेमियों जो जो बतलाते हैं अगर उस काम को आप सही सही माने में कर लीजिए, क्या समर्पण भाव से, श्रद्धा से, विश्वास से, प्रेम से, तो आपका हर तरह के उन्नति होगी। गुरु की शब्द जो है हृदय के अंतःकरण में है, शब्द गूंजता बिना दृढ़ दृष्टि के नहीं सोझता, अभी भी जा जो गुरु के शरण में चलो, जाल जाल माया तो तुम जीत लो, प्रेम पहिया ही जन्नति का रेल है, जो चढ़ना न चाहे तो मैं क्या करूं। वेद परमाणु देता है सतनाम की, महिमा बहुत है गुरु धाम, वही महिमा के जुनन्वाद करने के लिए उससे लाभ पाकर आप सभी के बीच उन्हीं के प्रकाश में कुछ बात कह रहे हैं। जो भाई दीक्षित लिए हैं उनसे दीक्षा संस्था से जुटे हैं, वे अपने समय के अनुसार अगर साधन भजन ध्यान करते हैं तो अच्छा, लेकिन जो ज्ञान लेकर भी और इस रास्ते पर चल नहीं पा रहे हैं उन्हीं लोगों के लिए सत्संग का आयोजन किया जाता है, भंडारा के आयोजन जो होता है, जन समूह जुटने का मतलब क्या है कि हम घर में सारा माया रूपी जाल में फंसे रहते हैं, वहां हम कुछ काम नहीं कर पाते हैं, इसलिए अगर भंडारे में हम समय देते हैं और यहां से कुछ ध्यान केंद्रित करके जाते हैं तो हमारा उद्धार होगा। यह ऐसा संपत्ति है कि यह संपत्ति तो कोई बांटने वाला नहीं, आप जितना इसमें लगन के साथ मेहनत के साथ अगर आप काम करते हैं तो सफलता आपको मिलेगी। धर्म प्रेमियों, हमारे बीच दिनेश जी हैं और बात है अभी दो दिन चले क्या, लेकिन हम विशेष करके आत्मा संबंधी बातों पर ध्यान दें और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना वाणी समाप्त करता हूं। बोलिए प्रेम से सद्गुरुदेव महाराज की जय।